पिछले 2 सप्ताह से सिवान में लगातार कैंप कर रहे नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव और वर्तमान में जदयू के राज्य कार्यकारिणी परिषद के सदस्य अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता कर बताया कि सिवान की जनता पूरी तरह मन बना चुकी है, कविता सिंह ही सिवान की अगली सांसद होंगी। उन्होंने इस प्रेस वार्ता में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरह से सिवान में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का जो विकास का चर्चा मैं देख रहा हूँ, उस चंदे लोग हैं, चंद लोग, लेकिन महिलाएं, मैं 11 बजे 12 बजे रात तक मैं भी घूमता हूँ, महिलाओं में जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, और बहुत लोग ऐसे लोग भी हैं जो लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन पूरा सिवान कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म, हमको आश्वस्त किया है लोग कि हम लोग विकास देखता नहीं जा, प्रधानमंत्री के या मुख्यमंत्री के देखता नहीं जा, कैंडिडेट कोई हो हमनी के तीर के विजयी बनाएगा। और जिस तरह से मैंने देखा, हम लोग शहर में रहने वाले आदमी, आज देहात में हमको अनुभव नहीं हुआ 13 दिन में कि मैं देहात में हूँ। आप लोग से भी हमको हर जगह मुलाकात हो रहा है, मैं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ, हर जगह बिजली सड़क, इस सिवान में मैं देखा कि सिंटेक्स का टंकी, पानी, घर घर नल, शौचालय, जनता अब क्या चाहता है। और वो सिवान 6 बजे के बाद सिवान का दुकान का शटर नहीं खुलता था, आज 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक हम लोग घूम रहे हैं। आप लोग से भी, कुछ लोग से मेरी मुलाकात हो जा रही है 10-11 बजे रात में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को जनता की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि सिवान सिर्फ सिवान भर सीमित नहीं है, बिहार तक सीमित नहीं है, भारत तक सीमित नहीं है। सिवान के लोग कुवैत, दुबई, विदेश से लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ बहुत लोग, बहुत आबादी विदेश में है, और वो लोग भी कह रहा है कि हम वोट दे के जाएंगे। फोर्स में बहुत लोग है, उन लोग बोला कि हम कहा जाएंगा रहुआ, हमने कहा बेटा फोन कर लेबा कि पापा मम्मी वोट दिया नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार के, तो हमको बहुत अच्छा लगा। इसलिए आज मैं सोचा ये आप लोग के बीच में बता दूं कि सिवान हम लोग बहुत भारी मतों से यहाँ की हमारी उम्मीदवार कविता सिंह जीत रहे हैं। सर, इन सबके बीच एक सवाल आपसे ये है कि लगातार नेताओं का यहाँ पे दौरा हो रहा है और कई जगहों पे हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच जो बड़े नेता हैं वो असम बोलने से बात नहीं आ रहा है। जैसे कल आपकी पार्टी के पार्टी समर्थित जो है विधायक, उन्होंने राबड़ी देवी के मुँह में जीने की बात कही, राबड़ी देवी प्रधानमंत्री को जलाद कर रही है, नाली का कीड़ा कर रही है, इसकी क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, हमने और भी बहुत कुछ सुना, लेकिन जनता जो वोटर है हमको भी नहीं सुन रहा। जनता सिर्फ हर हर मोदी, बिहार का विकास, जो 6 बजे के बाद महिलाओं का हाथ दर्द करता था बेलना हाँकने में, बोली बेलना हम जानते थे पंखा, लेकिन यहाँ की महिला लोग बोली कि हमने के बेलना हाकत रहेगा 6 बजे के बाद, बेलना, आज हमने के बिजली मिलता, तिलक में फ्रिज मिलता था, टीवी मिलता था, 1-2 महीना बाद वो फ्रिज को लोग बेच देता था बिजली के अभाव में, आज हर घर में फ्रिज का पानी लोग पी रहा है। महिलाओं कब फुर्सत में आती है? 10 बजे के बाद, सुबह में बच्चा को देखना है, पति को देखना है, घर का चौका है, बर्तन है, शाम में फ्री होके महिलाओं लोग 11 बजे तक टीवी देखते हैं। हमारा जो नेता है माननीय नीतीश कुमार जी, वो किसी के बारे में अभी तक देश में एक नेता है नीतीश कुमार जी की, किसी के बारे में आप नहीं देखे होंगे उनका मुंह फिसलते, अब ना वो किसी के बारे में बोलते हैं, तो हम लोग भी कौन क्या बोलता ही नहीं देखते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी बातों की, अपनी कामों के आधार पर लोगों से वोट मांगते हैं। अभी के पार्टी के विधायक का मुंह में थूकने की बात कर रहे हैं, ये बोले होंगे तो हम ऐसे शब्द का, मैं माफी मांगता हूँ, ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि किसी विपक्ष का भी मैं अभी तक नाम नहीं लिया,
मेरे पास इतना काम है कि हम काम बताएंगे लोगों को, हम किसी को गाली नहीं देते हैं, क्योंकि मेरा नेता किसी के बारे में शब्द का प्रयोग अभी तक नहीं किए हैं ना करेंगे, वो तो काम का मजदूरी मांग रहे हैं। पहला नेता ने कहा था कि जब तक बिजली नहीं तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा, वो साफ बोलते हैं कि मैं मजदूरी आपके बीच आ रहा हूँ, मजदूरी दीजिए, काम अच्छा है तो मजदूरी दीजिए। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ तो वोट सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का है। अभी तेजस्वी जी बहुत बच्चे हैं, तेजस्वी जी के बारे में, तेजस्वी जी तो हमसे भी छोटे हैं, उनको तो नीतीश कुमार जी के बोलने का हक भी नहीं है। आज तेजस्वी जी नाम भी लोग जान रहे हैं नीतीश जी के आशीर्वाद से, अगर नीतीश जी नहीं चाहते तो उप मुख्यमंत्री नहीं बनते, वो तो फेल है। जो कहते हैं संविधान बचाने की बात, वो तो पहले अपना परिवार बचा ले, घर बचा ले। पूरा देश जानता है कि लालू जी किस चीज में जेल गए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। कोई यादव के लिए नहीं गए जेल, कोई बिहार में देश के काम करने के लिए जेल नहीं गए हैं, आप भी जानते हैं। इसलिए तेजस्वी जी का कोई भी बोलने का हक नहीं है माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। आपको लगता है सिवान में हिना साहब के साथ लड़ाई है? लड़ाई यहाँ तो एकदम एक तरफा देख रहे हैं हम, कविता सिंह का हर लोग वोटर यहाँ तो खौफ है, डर है। गठबंधन में जो मतभेद है वो तो काफी प्रभावशाली है। नहीं, ये मतभेद कुछ नहीं है, ये जो फेसबुकिया लोग है यही कुछ लोग है, चंद लोग, इन लोग से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। मैं पहले भी बताया कि सिर्फ यहाँ विकास का बात है, विकास के नाम पे बोल रहे हैं। जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सिवान में जेडीयू और बीजेपी दो ग्रुप में बट गया है, नहीं विपक्ष के पास अब कुछ मुद्दा है नहीं, अभी बहुत तरह के दो दिन में और चीज देखिएगा, इससे कोई भी जनता वोटर भ्रम में और जाल में फंसने वाला नहीं है। जनता मन बना चुका है कि एनडीए के प्रत्याशी को हमको जिताना है। देख लीजिए, हम लोग समरस समाज हैं, हम लोग सब लोग साथ में हैं, ये जो देख रहे हैं हर आप देखते होंगे हर जगह ये लोग रात रात दिन हम लोग के पार्टी के लिए पसीना बहा रहा है। लोग बाकी लोग बाहर से आ रहे हैं, उससे जनता उसके पीछे जाने वाला नहीं है, जनता उसी को चाहता है जो आँख से दिख रहा है। आप इतने देर से बैठे हैं, देखिए बिजली चकाचक बिजली है। ऐसा भी जीते सिंह जी।